आप देख रहे हैं ब्रज भूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रज भूमि न्यूज। राजेश्वरी महारानी के चरणों में व्यतीत करें। आप लोगों का जाना पहचाना नाम सुनील एंड पार्टी प्रचलित होगी, फिर कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जब तक कि ये बच्चे माँ के सेवक महारानी के दरबार में आते हैं, पार्टी के ये नन्हे-मुन्ने बच्चे महारानी के चरणों में। नमस्कार दोस्तों, ब्रजभूमि न्यूज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं पुष्पेन चतुर्वेदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मथुरा शहर के घाटीवाला क्षेत्र का एक सुंदर प्रांगण है, माँ सिद्धेश्वरी देवी का मंदिर है। माँ सिद्धेश्वरी मंदिर के प्रांगण में माता का दरबार सजा हुआ है और यहाँ के निवासी विजय परिवार की तरफ से माँ भगवती का जागरण कराया जा रहा है। आइए मंदिर के कुछ भक्तगणों से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ, आपको सुनना। मेरा नाम मनीष है। नहीं, विजय परिवार ने बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम कराया है, ये सराहनीय योग्य है और यहाँ पे बहुत भव्यता प्रदान करी गई है। और ये विजय परिवार द्वारा ये दूसरी बार जागरण कराया जा रहा है और बहुत ही भव्यता के साथ कराया जा रहा है। और आने वाले 12 दिसंबर को भी आप और मित्र मंडल द्वारा भी यहाँ पर एक भव्य आयोजन होगा। इस मंदिर की स्थापना हुई थी उस दिन 12 दिसंबर को बिहार पंचमी के दिन, बहुत ही एक आयोजन किया जाएगा बहुत ही भव्य। और सभी परिवार चाहे वो कोई भी हो और आप और मित्र मंडल की ओर से किया जाएगा, जिसमें आप भी होंगे और हम भी होंगे और हमारे सभी भाई बंधु होंगे। माँ भगवती के चरणों में अपने परिवार के अपने नाम की अरदास करना चाहिए, जिसकी जो भी श्रद्धा भावना हो माँ भगवती ने जिस तरह से जैसे बनाया हो माँ के चरणों में अपनी अरदास बार बार से कराएं, क्योंकि ये अरदास एक ऐसा माध्यम है जो घाटीवाला स्थित माँ सिद्धेश्वरी प्रांगण में आयोजित माँ भगवती का जागरण पीछे परिवार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आइए उसकी कुछ झांकियां आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में देख रहे हैं माता का दरबार सुंदर सजा हुआ है, जिसकी भव्य झांकियां आप तक प्रस्तुत की जा रही है। हर्षित, कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। माता रानी का दरबार सजा हुआ है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। माता रानी के भजन कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं बाबू। तुम्हारा क्या नाम है? पार्थ। अच्छा लग रहा है। अच्छा, बढ़िया लग रहा है। परिवार द्वारा 10वां माँ भगवती जागरण बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घाटीवाला प्रांगण में माँ सिद्धेश्वरी का मंदिर है। माँ सिद्धेश्वरी मंदिर प्रांगण में माता का सुंदर दरबार सजा हुआ है और प्राचीन मंदिर है माँ सिद्धेश्वरी का। आइए, विजय परिवार के कुछ सदस्य मौजूद है, जागरण के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आइए पता करो। मोहित चतुर्वेदी।
देखिए तो माँ सिद्धेश्वरी का जागरण है जो हर वर्ष बीसीए परिवार द्वारा आयोजित कराया जाता है। माता रानी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ही ये जागरण संभव है। तो दसवां जागरण है ये माता रानी का, और आगे भी माता रानी के आशीर्वाद से ऐसे भव्य दिव्य प्रोग्राम हर वर्ष कराया जाता है। हर वर्ष माता रानी का जागरण कराया जाता है और आगे भी जारी रहेगा। माता रानी की कृपा बनी रहेगी और भी अभ्यता आएगी और पब्लिक इकट्ठी होगी, सब आनंद लेते हैं और ज़्यादा भव्य दिव्य सजावट है, डेकोरेशन है, पार्टी भी अच्छी है और पब्लिक का माहौल भी बन रहा है। तो श्रद्धा भक्ति तो पब्लिक की है, वो श्रद्धा भक्ति ही माँ की पब्लिक को खींच के लाती है। और इस बार भी आप देखिएगा कि एक ऐसा भव्य आनंद आता है माँ के दरबार में। धर्मेंद्र कुमार जी बताएं। ये कि माता रानी की ये कृपा है जो जागरण हो रहा है और ये ऐसे ही होता रहे। मैं रोहित द्विवेदी। ये बाला घाटी एक मेरी घाटी है, मतलब परिवार है हमारा ये, और इसमें हर साल इतना भव्य जागरण होता है या विशाल जागरण होता है। माता रानी का सिद्धेश्वरी देवी का आशीर्वाद है हम लोग के ऊपर, बीएसए परिवार का आशीर्वाद है हम लोग के ऊपर। अब मैं मैया से मनाता हूँ, मेरा परिवार ऐसे चलता रहे, हमेशा सालों साल ऐसा चलता रहे और हम उनके लिए ऐसी सेवा हम करते रहे उनके लिए, और उनका आशीर्वाद है। धन्यवाद। जब श्री मैया का दसवां विशाल जागरण किया जा रहा है। क्योंकि ये अरदास एक ऐसा माध्यम है जो धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। ब्रज की बोली मिठलौनी जी, ब्रज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हो, देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज। मुक्ति कहे गोपाल सोंप, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।